आज हिंदुस्तान का अन्नदाता पानी से फसल निकालने पर मजबूर हो गया है। यह वह आजाद हिंदुस्तान है जहाँ किसान अपने पेट भी बड़ी मुश्किल से भर पा रहा है। अब ऐसे हालात में देश का पेट कैसे भरेगा, यह सरकार सोचना चाहिए। जिनके राज्य में किसान की हालत दयनीय अवस्था में पहुंच गई, यह मामला सीहोर जिले के आष्टा तहसील के ग्राम सिद्धिगंज का है, जहां किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जहां किसान 2 फीट पानी के अंदर से फसल निकालने पर मजबूर है। नमस्कार, आज मैं खड़ा हूँ सिद्धिगंज में, जहाँ किसानों की फसल हुई बर्बाद। सरकार काले पीने पन्नों से किसानों को राहत देती है, पर इनकी तरफ कोई मुआवजा नहीं, कोई सर्वे अभी तक करवाया नहीं गया, और यहाँ पर किसान गोड़े गोड़े पानी में कूदकर अपनी फसल को समेट रहा है। आज वही किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार ने क्या आश्वासन दिया अभी तक आपको। नहीं, अभी तक सरकार ने कोई आश्वासन अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी नहीं अभी नहीं। तहसीलदार साहब के पास भी हम गए, हमने तहसीलदार साहब को काफी मतलब 1 महीने से आवेदन दे चुके हैं, अभी तक तहसीलदार साहब यहाँ पर नहीं आए। कलेक्टर साहब के पास भी हम पहुँच गए थे, SDM साहब को हमने दिया आवेदन, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते। तहसीलदार साहब ने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे, निकासी नहीं है, आ ही नहीं रहे वहाँ पर। अभी अभी क्या क्या कर रहे थे आप? अभी ये सोयाबीन उखाड़ रहे हैं, सड़ गए, खाद तो खाली करना पड़ेगा खेत को। तो खेत अभी बोने के लिए तैयार, बोने के लिए अभी गेहूं की फसल भी नहीं आ रही है। वैसे तो अभी हमने पानी की निकासी के लिए भी उनको आवेदन दिया कि हमारे खेतों का पानी निकलवा दीजिए आप, तो उसके बारे में कोई अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं दिया। अच्छा, आपने सबको आवेदन भी दे दिए जी? ये आवेदन के हमारे बहुत सारी प्रतियां हैं, 1 महीने से इसी में लगे हुए हैं अभी तक। मगर मतलब अभी सरकार की तरफ से या यहाँ के SDM तहसीलदार की तरफ से आपको कोई सर्वे ना ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं करवाया गया अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी यहाँ मौके पर आए अधिकारी ने आके भी नहीं देखा अभी कि क्या फसलों के क्या हालात हैं। जल निकासी रुकी हुई है, पानी 2 से 3 फीट तक आगे की जमीन में भरा हुआ है। नहीं, सरकार तो बोल रहे हैं कि हम किसानों को राहत देंगे, मुआवजा देंगे, क्या अभी तक आपकी फसलों का सर्वे नहीं हुआ? नहीं, अभी तक सर्वे नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ सर्वे। देखिए, यही किसानों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और यही किसानों को मुसीबत के साथ अपनी फसलों को समेटना पड़ता है। आज ये इतने पानी में अपनी फसल को समेट रहे हैं। मैं निजन के साथ राजपुणा, मध्य प्रदेश, भोपाल। वही किसानों का कहना है कि खेत में वर्षा का पानी भर गया है। उक्त वर्षा में पानी का जल निकास सिद्धिगंज से नीलवड रोड पर नहर व रोड के बीचों बीच नाली व पाइपलाइन द्वारा वर्षा का पानी निकालना था। उस पानी के रोड एवं नहर के बीच की पाइप व नाली की रोड से नीचे के किसानों द्वारा तोड़ फोड़ कर मिट्टी डाल दी गई, जिससे उनकी जमीन लगभग 20 से 30 एकड़ जमीन में 3 से 4 फीट पानी भर गया, और खेतों पर बने मकानों में भी पानी भर गया, जिससे उनकी फसल नष्ट हो गई। वहीं जल भराव नीचे वाली जमीन में रिसाव से लगभग 30 एकड़ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं आवेदन देते हुए किसानों ने मांग की है कि सरकार उचित कार्यवाही करे। जहां देश का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ऐसी हालत में अगर अन्नदाता भूखा सोएगा तो ये सबसे बड़ा दुख होगा। न्यूज़ इंडिया 9 क्राइम रिपोर्टर राज बोराना की रिपोर्ट।